क्विज टॉक अबाउट नंपाई लाइब्रेरी। सो नंपाई लाइब्रेरी हम क्यों यूज करते हैं, नंपाई लाइब्रेरी के साथ हमें कौन से फंक्शन यूज करने को मिलते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्ट। सो हियर वी गोइंग टू राइट इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी। आफ्टर इम्पोर्टिंग द लाइब्रेरी यू मे नोटिस वन थिंग, आपने ये चीज नोटिस की होगी एस एन पी हम क्यों लिखते हैं, इसके बगैर भी हम नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम मुझे ये नंपाई लिखना नहीं है पूरा, उसको मुझे एक शॉर्ट फॉर्म यूज करना है जिसको बोलेंगे मैं एन पी। इसके बदले आप कुछ एन भी लिख सकते हो, वैसा कोई जरूरी मैंडेटरी नहीं है कि आपको एन पी ही लिखना हो, राइट। उसके बाद अगर तो मुझे कोई एरे क्रिएट करना है नंपाई लाइब्रेरी में तो कैसे करूँगा, तो एन पी डॉट एरे हमारे पास एक फंक्शन होगा जिसके अंदर आपको नंपाई जो भी जिस टाइप का भी आप एरे क्रिएट करना चाहते हो उस टाइप का आपको वैल्यूज पुट करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे वन डायमेंशनल एरे क्रिएट करना है, राइट। सो मैंने लिख दिया एक लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5, जिस लिस्ट के अंदर मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं और मैं लिखूंगा ये वन डायमेंशनल एरे है। मुझे कैसे पता चला कि ये वन डायमेंशनल एरे है, सो मुझे इस ब्रैकेट के बेस पर मुझे पता चला कि यहाँ वन डायमेंशनल एरे है। अगर ये ब्रैकेट एक होगा तो यहाँ वन डायमेंशन, अगर ये दो होगा तो हमारे पास टू डायमेंशनल एरे होगा, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। सो हियर आई एम गोइंग टू रन दैट। सो ये एन पी डॉट एरे जो फंक्शन है वो हमको एक एरे रिटर्न करेगा जो कुछ इस तरह का लिख रहा होगा, राइट। ये वैल्यू जो होगी मैंने उसको स्टोर कर लिया ए में, और आप नीचे भी देख सकते हो हमारे पास एक सेम वैल्यू आ रही है। अगर मुझे इसका टाइप चेक करना तो मैं कैसे करूँगा, तो हमारे पास फंक्शन है टाइप जिसके अंदर ऐसा आर्ग्यूमेंट मुझे एरे पास करता है, जिस नंपाई डॉट एरे फंक्शन की मदद से जो मैंने वैल्यू रिटर्न कराई है उसको मैंने स्टोर किया और जिस वेरिएबल में मैंने उसको स्टोर किया है मुझे वो वैल्यू यहाँ पास करा से मैंने उसको वेरिएबल में स्टोर किया और मुझे मैंने उसे यहाँ पास कर दिया। सो हम यहाँ बात अभी टू डायमेंशनल एरे की बात करते हैं। सो मैंने यहाँ एक टू डायमेंशनल एरे क्रिएट किया एक लिस्ट के अंदर, अगेन एक लिस्ट पास की, ओके। सो मुझे टू डायमेंशन मुझे कैसे पता चलेगा इसके बेस पे कि यहाँ मैंने बोला था पहले भी अगर यहाँ एक ब्रैकेट होता है उसका मतलब होता है वन डायमेंशन, यहाँ दो ब्रैकेट होते हैं तो इसका मतलब होता है टू डायमेंशन। सो अगर मेरे पास जो एरे है वो वन डायमेंशन है उसका मतलब क्या होता है, अगर उसको आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको आप बोलना चाहते हो तो कैसे बोलो। सो अगर मेरे पास वन डायमेंशन एरे है तो उसको मुझे मैथमेटिक्स के टर्म में मैं उसको बोलूंगा वेक्टर। टू डायमेंशनल एरे है तो उसको मैथमेटिक्स टर्म में मैं बोलूंगा मैट्रिक्स, और थ्री डायमेंशनल एरे है तो उसको बोलूंगा क्यूब। फोर डायमेंशनल टू एन डायमेंशन जो एरे होगा उसको मैं बोलूंगा तो क्यूब। ये सारे टर्म हम लीनियर अलजेब्रा वाले वीडियोज में कवर करेंगे, राइट। So don't worry about this. So let's move on to our Jupyter notebook. So यहाँ अगर मुझे shape print करना है मेरे array का तो मैं कैसे करूँगा, so मैंने पहले ही बोला था कि हमारे पास अगर one dimension array है तो उसको हम बोलेंगे vector, वो क्या represent करेगा आपको tuple के अंदर, तो वो represent करेगा आपको size, शेप जो टपल रिटर्न करता है जिसके अंदर अगर हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा हो तो रो और कॉलम्स की वैल्यू होंगी, अगर हमारे पास वन डायमेंशनल डेटा हो तो उसके अंदर हमारे पास एरे के अंदर कितनी एलिमेंट्स है कितने एलिमेंट्स है वो रिप्रेजेंट होगा। सो हमारे पास ए डॉट शेप के अंदर ए एरे के अंदर हमारे पास 5 एलिमेंट्स है तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 5। नाउ अगर मुझे डायमेंशन स्प्लिट करने राइट ये मुझे दिखाना है कि मेरे पास जो एरे है ए उसके अंदर उसमें कितने डायमेंशन हो कितने डायमेंशन का एरे तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरे पास एक एट्रिब्यूट होगा एन डॉट एन डिम, उसका मतलब होता है एन डायमेंशन, राइट। सो मुझे वैल्यू रिटर्न करके देगा एक ही, राइट। तो मेरे पास एक डायमेंशन है ए के अंदर। अगर वही सेम चीज मैं बी के शेप के बारे में बताता हूँ तो मेरे पास 2x4 होगा। सो 2x4 कैसे होता है, सो सबसे इनर वाला पार्ट हम देखेंगे जिसके अंदर सारी वैल्यूज है उसको हम बोलेंगे रो,
आप देख सकते हो यहाँ मैंने ब्लू लाइट किए हुए को, राइट। ये दो रोज हो गई हमारे पास, जितने भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, राइट, यहाँ एक दो, फर्स्ट रो के अंदर आपको देखना है कि कितने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आपके पास है। सो यहाँ हमारे पास एक दो तीन और ये चार, उसको हम बोलेंगे कॉल, राइट। सो अगर मैं आपको नोटबुक में दिखाऊँ, सपोज मेरे पास ये एरे है वाई जो टू डायमेंशनल है, 1 2 3 4 2 3 5 6 मैंने कुछ भी वैल्यू ऐसे डाल दी, राइट। सो ये जो पार्ट होगा पूरा मेरा, जस्ट सेकेंड, ये जो मेरा पूरा पार्ट है वो इनर वाला पार्ट है। आप कोई भी डायमेंशन में वर्क करते हो, या 2D हो या 3D हो या 4D हो या ND हो, उसमें जो भी सबसे इनर वाला पार्ट होता है वो दो ही चीज को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इनर वाला पार्ट है, ये एक ये दो, वो रिप्रेजेंट करेगा रो को, राइट। जो ये पार्ट है जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फर्स्ट रो के अंदर है, राइट, ये 1 2 3 4, उसको हम बोलेंगे कॉल, राइट। सो इसका शेप मैं देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा, तो मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये टू डायमेंशनल डेटा है, इसके बेस पे मुझे पता लगे कि मेरे पास डेटा जो है वो ऐसे जो है वो टू डायमेंशनल। सो जो मुझे टपल रिटर्न करेगा, जो डॉट शेप टपल रिटर्न करेगा, उसके अंदर दो ही वैल्यू होंगी मेरे पास, राइट, क्योंकि ये डायमेंशन टू है। अगर मेरे पास थ्री डायमेंशन एरे होता वो मुझे थ्री वैल्यूज रिटर्न करते, क्लियर। सो ये दो वैल्यू मुझे जो रिटर्न करने वाली है उसमें क्या होगा, जो फर्स्ट वैल्यू कंसिडर करेंगे वो रो होगा, सेकेंड वैल्यू कंसिडर करेंगे वो कॉलम होगा। सो सेम थ्री डायमेंशन में ये सेकेंड जो वैल्यू होगी वो रो होगी, ये थर्ड वैल्यू होगी जो कॉलम होंगे, राइट। ये फर्स्ट जो होगी तो कितने लेयर्स कंसिडर कर रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे, क्लियर। सो यहाँ हमारे पास रो हो गई एक और दो, ये दो रो होंगी, और हमारे पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फर्स्ट रो के अंदर कितने हैं, एक दो तीन चार, तो हमारे पास चार कॉलम्स होंगे। सो ऐसे हम रोज और कॉलम्स काउंट करते हैं। नाउ अगर हम आगे देखें, राइट, सो यहाँ मैंने थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट कर लिया, सो हम इसके बारे में बात करते हैं, राइट। सो थ्री डायमेंशनल एरे के बारे में बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे बोला हमको रोज काउंट करना है, तो हमारे पास ये एक रो हो गई, ये हो गई हमारे पास दूसरी रो, और ये हमारे पास हो गई तीसरी रो। फर्स्ट रो के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कितनी है, एक दो और तीन। सो हमको ये बात पता चल गई कि हमारे पास दो रो और थ्री कॉलम्स है, राइट। सो ये सबसे इनर वाला पार्ट हो गया। हमें एक स्टेप आउट करना है फर्स्ट फंक्शन के बारे में, और ये चेक करना है कि हमारे पास ये आप देख रहे हो ये वाला पार्ट कितने बार है, हमारे पास कितनी बार, अगर थ्री डायमेंशन डेटा है तो हमारे पास दो ब्रैकेट कितनी बार बंद हो रहा है, तो यहाँ एक हो गया और यहाँ दूसरा हो गया, राइट। ऐसे एक ब्रैकेट, इस एक ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं, तो इसको बोलेंगे हम एक लेयर, राइट। सो ऐसा हमारे पास एक ही है, उसका मतलब होगा एक एक लेयर के अंदर हमारे पास तीन रोज हैं और तीन कॉलम्स हैं। सो 1 3 3 का शेप हो गया हमारे पास, क्लियर। ओके, सो नाउ ये सेम चीज मैंने दो लेयर के साथ की। सो नाउ आप देख सकते हो ये हमारे पास एक लेयर हो गया और ये हमारे पास दूसरा लेयर हो गया। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये 2D मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में हम आगे लीनियर अलजेब्रा वाले वीडियो में बात करेंगे। सो ये दूसरा हो गया, तो इसका एक के अंदर हमारे पास दो रोज हैं और हर रो के अंदर थ्री कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है, उसका मतलब हमारे पास तीन कॉलम्स हैं। सो दो दो टू टू थ्री, ये हमारा शेप हो गया डी एरे का, राइट। दूसरी बात एरेस के अंदर खास क्या होती है कि वो लिस्ट की तरह ही हमारे पास एक दूसरी अपॉर्चुनिटी है, उसको बोलेंगे इंडेक्स और स्लाइसिंग। अगर हमको कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है और प्रिंट करवाना है तो हम इंडेक्स और स्लाइसिंग की मदद से कर सकते हैं। सो यही है मैंने किया। डी एरे के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर प्रिंट करवाना है कौन से, सो सभी कॉलम्स के अंदर, सभी लेयर्स के अंदर, इसका मतलब होता है सभी, कोई भी, जब आप थ्री डायमेंशनल अंडर के डेटा के अंदर वर्क कर रहे हो, राइट, तो आपके पास यहाँ थ्री कॉमा सेपरेटेड टू कॉमा थ्री कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होंगी,
उन सभी थ्री में से फर्स्ट जो रिप्रेजेंट करेगा वो लेयर को करेगा, सेकंड जो रिप्रेजेंट करेगा वो होस्ट को करेगा, और थर्ड होगा वो कॉलम को करेगा। सो ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, राइट। सो फर्स्ट वैल्यू जो लेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं उसे सभी लेयर्स में चाहिए, सेकंड सभी रोज के अंदर मुझे सेकंड वाली कॉलम चाहिए, राइट। सो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? सो ये जीरो हो गया, ये जो थर्ड डायमेंशन है उसमें से ये फर्स्ट लेयर को हम बोलेंगे जीरो और ये वन। सो दोनों में से मुझे क्या चाहिए? सभी रोज के अंदर सेकेंड कॉलम, यानी जीरो वन और टू, यानी थ्री सिक्स और सेवन टेन, थ्री सिक्स सेवन टेन को मिल गया, राइट। अगर मुझे एक ऐसा एरिया चाहिए, राइट, कि जिसके अंदर सारी वैल्यू जीरो, मुझे सिर्फ उस फंक्शन के अंदर एज अ आर्गुमेंट मुझे पास करवाना है मेरा शेप, एरे का शेप जो मुझे चाहिए। सो मैंने यहाँ एंट्री डॉट जीरो फंक्शन के हेल्प से मैंने थ्री फाइव फोर साइज का शेप का एरे जनरेट किया। सो यहाँ हमारे पास थ्री लेयर्स होंगे, आप देख सकते हो, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, और ये तीसरा लेयर हो गया। सो वन टू थ्री, और ये फाइव, फाइव रोज हैं और फोर कॉलम्स, आप देख सकते हो। दूसरी बात, एनपी डॉट लिन स्पेस, इस फंक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हम ईडीए वाले पार्ट में हिस्टोग्राम और एनी अदर प्लॉट्स प्लॉट करेंगे, तब ये फंक्शन हमको बहुत यूजफुल होने वाला है। क्योंकि ये फंक्शन क्या करता है, सपोज आप फर्स्ट स्टार्ट और एंड दो नंबर चूज करना है, उस नंबर को आप कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो उसके बेस पे ये फंक्शन आपको एरे रिटर्न करेगा। सो मैंने यहाँ दो नंबर्स ले लिए, जीरो और टेन। ये टेन को इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सक्लूड रखेगा, उस चीज को मुझे दस पार्ट में डिवाइड करना। सो ये इसने मुझे ऐसे वैल्यू रिटर्न की एक एरे में, राइट। सो अभी मैंने यहाँ दो एरे जनरेट करते हैं। सो दोनों एरे ही टू डायमेंशनल डेटा के हैं, और मैं np dot concatenate function को use करना चाहता हूँ, right? So as a hyperparameter मेरे पास एक keyword है, उसको बोलेंगे access। So अगर इसके बारे में मैं कुछ आपको details में बता दूँ कि access walk कैसे करता है, कि suppose आपके पास एक array है जिसका dimension 2 है, right? सो मेरे पास एक्सेस की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेस की वैल्यू आइदर जीरो होगी या आइदर वन होगी। अगर मेरे पास थ्री डायमेंशनल डेटा है तो एक्सेस की वैल्यू कितनी होगी? जीरो, वन और टू, राइट। फोर डायमेंशनल डेटा है तो मेरे पास एक्सेस की वैल्यू कितनी होगी? एक्सेस की वैल्यू होगी हमारे पास जीरो, वन, टू, थ्री। सो यहाँ हमारे पास जितने भी डेटा है उसके बेस पे एक्सेस की वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे पास थ्री डायमेंशनल डेटा है, तो आपने देखा एक दो और तीन के अंदर हम रोज लिखेंगे, उसके बाद ये जो दूसरा वाला पार्ट है जो लेयर को रिप्रेजेंट करता है, राइट, क्लियर, ओके। सो ये हो गया हमारा जीरोथ लेयर, ये हो गया हमारा वर्ल्ड फर्स्ट लेयर। उसके बाद इसके अंदर बात करते हैं जो रोज आएंगे हमारे पास, रोज को हम प्रिडिक्ट करना चाहें तो जीरो और ये वर्ल्ड, राइट। सो जो जीरो वाला लेयर है, जीरो इंडेक्स है, वो लेयर को रिप्रेजेंट करेगा, जहाँ वन जो रो को रिप्रेजेंट करेगा और टू जो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीन अलग अलग एक्सिस की वजह क्या है? तीन अलग अलग एक्सिस की ये वजह है कि जब आप इमेज क्लासिफिकेशन और सीएनएन के बेस सीएनएन पे वर्क करते हो, उस टाइम आपको कुछ ऑपरेशन स्पेसिफिक कॉलम या स्पेसिफिक रो पे परफॉर्म करने होते हैं, ना कि पूरे एरे पे। सो एट दैट टाइम दिस विल गोना हेल्प यू, राइट। सो ना एक्सिस इज इक्वल टू जीरो है, राइट। सो दैट मींस हमारे पास टू डायमेंशनल एरे है फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक्सिस इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ जो कॉन्केटिनेट परफॉर्म होगा वो किस पे होगा? वो रो पे होगा। रीजन क्या है? हमारे पास टू डायमेंशनल डेटा है, और ऐसे में जैसे मैंने बोला आपने नोटबुक में कि जीरो जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है टू डायमेंशनल एरे में, और वन जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ओके। सो हम यहाँ इंक्रीज करेंगे एक्स टू की वैल्यूज, हमने पहले लिए सो 905। तो ये हमारे पास दो रोज हैं, और कॉन्टिनेट करने के बाद हमारे पास चार रोज हो जाएंगे ऐसे, राइट। अगर वन पे करते हैं तो कॉलम में इंक्रीज होंगे, राइट। सो यहाँ हमारे पास थ्री डायमेंशनल डेटा है,
और एक्सेस इज इक्वल टू, यानी कि मैंने कॉलम पे परफॉर्म किया है ऑपरेशन, राइट। सो मुझे कुछ ऐसा आउटपुट मिला। सो नाउ हेनपी डॉट कैरेज के अंदर हमने इसे दो लेयर्स यानी कि थ्री डायमेंशनल डेटा, आप देख सकते हो एक दो और तीन, थ्री डायमेंशनल डेटा के अंदर हमारे पास दो लेयर्स हैं, तो दो शेप के बारे में बात कर रहा हूँ। टू क्रॉस हमारे पास थ्री थ्री रोज हैं, थ्री इन टू टू कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, सो थ्री टू टू थ्री टू हमारे शेप हो गया इसके बारे में। और मैंने यहाँ वंस हमारे पास फंक्शन होता है जिसके अंदर जीरो जैसे ही वर्क करता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज जो रहती हैं एरे के अंदर वो पूरी वंस होती है, राइट, लाइक दिस। सो एनपी डॉट कॉन्केटेन करना चाहता हूँ एक्स और वाई, राइट। सो एक्सिस मैंने जीरो लिया जैसे मैंने पहले बोला, या कि अब देख सकते हो जैसे मैंने पहले यहाँ बोला कि थ्री डी हमारे पास हो तो हमारे पास एक्सिस रहेगी जीरो वन टू। जीरो किसको डिनोट करेगा, पूरे लेयर्स को। अगर मैं यहाँ जीरो लिखता हूँ तो एक मेरे लेयर्स इंक्रीज होंगे, आप देख सकते हो फोर लेयर्स है, दो लेयर्स पहले थे और दो बाद में आ गए। अगर मैं यहाँ वन करता हूँ तो इंक्रीज होंगी मेरी रोज, अगर मैं यहाँ दो करता हूँ तो मैं इंक्रीज होंगी मेरी कॉलम्स, आप देख सकते हो। अगला फंक्शन जो है, जो मैं आपको बोल सकता हूँ कि जब आप मिस क्लासिफिकेशन पे वर्क करोगे तब आप ये फंक्शन को यूज करने वाले हो। इससे क्या होता है कि हमारे पास जो प्रीवियस एरे होता है उसमें हम डायमेंशन इंक्रीज कर सकते हैं अगर हमको करना हो तो। और एक्सिस इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि आप कौन से प्लेस पे आपने डायमेंशन इंक्रीज करना चाहते हो। जीरो प्लेस पे अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अगर फर्स्ट प्लेस पे आप कुछ इंक्रीज करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, ऐसा करोगे। और सेकंड प्लेस पे इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको ऐसे कुछ आउटपुट मिलेगा, और थर्ड प्लेस पे कुछ ऐसा मिलेगा। ओके, सो इसका शेप क्या होगा, टू थ्री टू जैसे हमने पहले बात की थी। नाउ हम बात करेंगे वी स्टिक। सो एक्सपांड इसको देन प्रोडक्ट से हम डायमेंशन इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ वी एनपी डॉट वी स्टिक फंक्शन की मदद से हम डायमेंशन डिक्रीज कर सकते हैं। हमारे पास जो एक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है, राइट। सो ये थ्री डायमेंशनल डेटा है और मुझे क्या करना है, इसका डायमेंशन डिक्रीज करके ये सारी रोज इसमें अटैच कर देनी है, राइट। कैसे करूँगा, एनपी डॉट वी स्टिक की मदद से। एक डायमेंशन डिक्रीज हो गया, आप देख सकते हो थ्री डायमेंशन में टू डायमेंशन हो गए, और सारी रोज जो है ये पूरी रोज के साथ ये रोज कॉन्केटेनेट हो चुकी है, राइट। ओके, अभी मेरे पास एक और फंक्शन है, अगर मुझे सारी रोज कॉन्केटेनेट करनी है एज अ कॉलम के फॉर्म, राइट, ये वन टू है, इसके साइड में मुझे वन एट चाहिए, टू फोर है, नाइन जीरो इसके साइड में चाहिए, मुझे रोज इंक्रीज सॉरी कॉलम्स इंक्रीज करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। अगर मुझे कॉलम्स इंक्रीज करनी है तो मेरे पास एन पी डॉट एच टेक है, यही परफॉर्म तो सेम ही करता है, डायमेंशन आपको एक घटा देगा उसके बाद आपको कॉलम्स इंक्रीज कर देगा, राइट से। ओके, सो नाउ वी हैव अनदर फंक्शन कॉल्ड सम। सम में भी सेम ही रहता है, अगर आपको एक्सिस इज इक्वल टू जीरो करते हो, जैसे आप कॉन्केटेनेट फंक्शन में आप देखते थे कि हमारे पास एक्सिस इज इक्वल टू वैल्यूज थ्री डायमेंशन होता है तो हमारे पास एक्सिस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो वन टू जैसे आपने यहाँ देखा। अगर हमारे पास फोर डायमेंशनल डेटा है तो एक्सिस की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री सॉरी, एंड अगर हमारे पास टू डी डेटा है तो हमारे पास जीरो वन। सेम प्रोसीजर यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊंगा तो कैलकुलेट कैसे होता है, सम कैलकुलेट कैसे करता है। सपोज हमारे पास ये वैल्यूज है, राइट, जस्ट टू गिव मी अ सेकंड, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज हमारे पास ये एरे है, इज इक्वल टू ये थ्री डायमेंशनल एरे है, राइट, जीरो वन वन टू, ओके, तो ये हो गया। दूसरे लेयर की बात करते हैं तो वन थ्री हो जाएगा, वन फोर हो जाएगा, और यहाँ ये थ्री डायमेंशन एरे खत्म हो गया। सो एक्सिस इज इक्वल टू जीरो होगा अगर हमारे पास हाइपर पैरामीटर के तौर पे, तो कैसा होगा, तो ये जीरो हो, तो आप देख रहे हो ये जीरो सम किस से होगा, ये वन से, वन का सम ये थ्री से होगा, ये वन का सम ये वन से होगा, और ये टू का सम फोर से होगा, राइट। और हमको जो आउटपुट मिलेगा अगर थ्री डायमेंशन डेटा है तो उसका एक लेस हो जाएगा, टू डायमेंशन हो जाएगा, और उसके बाद हमें ये कैलकुलेशन परफॉर्म होकर दिखती होगी। अगर सेम चीज मेरे पास
एक्सिस इज इक्वल टू वन है राइट, यानी कि हम जो भी डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे रो पे करेंगे, सो रो पे परफॉर्म करने के लिए यहाँ ए प्लस होगा ओके। रो पर अगर एक्सिस इक्वल टू वन है तो 0 प्लस 1 होगा ओके। आप वो देख सकते हो ऐसे, ये 1 प्लस 2 होगा, ये 1 प्लस 1 होगा और 3 प्लस 4 होगा राइट। अगर मुझे एक्सिस इज इक्वल टू मेरे पास 2 है, यानी हम जो भी डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो कॉलम पे करेंगे, तो 0 प्लस 1 ऐसे होगा, ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 4। ये सेम प्रोसीजर हम मैक्स पे कर सकते हैं और मिनिमम फंक्शन में भी हम सेम ही ऑपरेशन कर सकते हैं राइट ओके। आप देख सकते हैं मैक्स में भी हम सेम ही ऑपरेशन करते हैं और मिनिमम भी सेम ही ऑपरेशन करते हैं। अभी आपको एक चीज देखनी होगी जो भी एरे की साइज राइट। सो एरे की साइज क्यों मैटर करती है, कि जब आप फंक्शन एक रिशिव फंक्शन को कॉल करते हो राइट, तभी आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है। अगर आप देखना चाहो कि मेरे पास एक एरे है, सपोज मेरे पास एक एरे हो गया वाई, इसके अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 के, ये 2 डायमेंशन एरे। इसका अगर मुझे इसकी साइज देखनी है तो मैं कैसे देख सकता हूँ कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, उसके बेस पर मुझे इसकी साइज कैलकुलेट कर सकता हूँ। 1 2 3 4, हमारे पास 4, ये 4 मुझे कैसे मिला, तो उसका हम शेप के बेस पे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका शेप क्या होगा, 2 बाई 2 राइट। इसके शेप पे बेस पे मुझे इसकी साइज कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कर सकता हूँ, 2 क्रॉस 2 करेंगे हमको मिलेगा 4 राइट। अगर मुझे इस शेप को रीशेप करना है तो आपको एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप जो भी एरे की साइज हो वो चेंज ना हो पाए, एरे की साइज चेंज ना हो पाए, लेकिन आप शेप चेंज कर सकते हो। एरे की अगर साइज चेंज हो गई तो आपको मिलेगी एरर राइट ओके। मैं आपको कुछ इम्प्लीमेंटेशन करके दिखा देता हूँ, आपको ज्यादा आइडिया जाएगा। हमारे पास एरे की शेप हो गई है 2 3 2, यानी कि मतलब हमारे पास साइज कितनी होगी, 12। मुझे इस एरे को कन्वर्ट करना है किसी भी साइज में लेके, किसी भी शेप में, लेकिन इसकी साइज हमें जो है वो सेम ही रखनी पड़ेगी। अगर हम साइज बियॉन्ड जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू वगैरह आ जाए, तो मुझे इसकी साइज ये देखो हो सकता है ये भी ओके। अगर हम देखें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं राइट ना। हमारे पास एक और फंक्शन है, उसको बोलेंगे फ्लिप। अगर मुझे हमारे एरे के जो भी एलिमेंट हो उस सभी एलिमेंट को रिवर्स करना है, मैं फ्लिप फंक्शन की मदद से कर सकता हूँ, उसमें कुछ लिखने वाला है नहीं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जब आप वर्क कर रहे होंगे सी एन एन पे, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे लाइक इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जिसमें आप फ्लैटन का बहुत यूज करने वाले हो। बेसिकली फ्लैटन वर्क क्या कर रहा है कि आपके पास अगर कितने भी डायमेंशंस हो, सपोज आपके पास 100 डायमेंशंस हैं राइट, और आप 100 डायमेंशन को फ्लैटन यानी कि 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हो राइट, 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप सिंपल फ्लैटन की मदद से कर सकते हो ओके। आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में पांडास के बारे में बात करेंगे ओके। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।